प्यारे बच्चे, चलिए हम लोग फिर से पढ़ना स्टार्ट करते हैं क्लास ट्वेल्थ क्लास की फिजिक्स सब्जेक्ट। और फिजिक्स सब्जेक्ट में हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक डिवाइस के बारे में, यानी कि विद्युतीय यंत्र के बारे में हम लोग डिस्कस किया कि गैल्वेनोमीटर क्या है, फिर संट के बारे में पढ़े, एमीटर के बारे में पढ़े। आज हम लोग का लास्ट पॉइंट है जिसमें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं वोल्टमीटर के बारे में। प्यारे बच्चों, वोल्टमीटर क्या है, अब जरा वोल्टमीटर की चीजों को समझते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक लिखा जाए वोल्टमीटर। वोल्टमीटर प्यारे बच्चों, जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में हम लोग एमीटर को डिस्कस किए थे, एमीटर क्या करता है जरा इसके भी बारे में बात कर लेते हैं। एमीटर एक यंत्र है जो किसी भी वायर में प्रवाहित विद्युत धारा को मापने का काम करता है, वो एमीटर कहलाता है। और उसमें हम एक और चीज लिखे थे कि आदर्श एमीटर का जो प्रतिरोध होता है प्यारे बच्चों, वो शून्य होता है। और आदर्श एमीटर को हम लोग विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, लेकिन उसका जस्ट उल्टा होता है प्यारे बच्चों। सबसे पहला बात अगर वोल्टमीटर का किया जाए तो ये विभव को मापने का काम करता है, याद है ना। विद्युत तो विभव का जो एसआई मात्रक होता है वो वोल्ट होता है, या फिर बोले तो विभवांतर का भी एसआई मात्रक वोल्ट होता है। अब ये वोल्ट से ही बना है वोल्टमीटर, जो कि एक यंत्र है। और ये वोल्टमीटर कैसा काम करता है, क्या काम में काम, किसके लिए उपयोगी है, तो किसी भी परिपथ में दो विभवों के बीच या दो बिंदुओं के बीच विभव को मापने का काम करता है, यानी कि विभवांतर को मापने का काम करता है। और दूसरी बात ये कि जैसे हम लोग आदर्श एमीटर में पढ़े थे कि आदर्श एमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो शून्य होता है प्यारे बच्चों, अब यहां पे हम लोग सीखने वाले हैं कि आदर्श वोल्टमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो बिल्कुल उसके उल्टा अनंत होता है। और ये कंफ्यूजन वाली चीजें होती है प्यारे बच्चों कि आदर्श एमीटर का कितना होता है। तो जहां भी एमीटर आए वहां का आदर्श एमीटर होता है प्यारे बच्चों उसका प्रतिरोध शून्य, लेकिन आदर्श वोल्टमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो बिल्कुल अनंत होता है। और अगला बात ये कि एमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, लेकिन प्यारे बच्चों वोल्टमीटर को हमेशा और हमेशा समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो इन चीजों को आपको बिल्कुल याद रखना होगा कि एमीटर और वोल्टमीटर में क्या अंतर है। तो ये अंतर भी हम लोगों को आता है तो अंतर भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले लिखा जाए वोल्टमीटर में, वोल्टमीटर का सेकेंड फर्स्ट एरो देंगे, लिखेंगे पहला बात वोल्टमीटर का, वोल्टमीटर की सहायता से किसी विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर का मान सीधे वोल्ट में मापता है, नेक्स्ट एरो देंगे, लिखेंगे विद्युत परिपथ में इसे समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, फिर लिखेंगे थर्ड एरो, आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। प्यारे बच्चों, जैसे कि एमीटर में पढ़े थे जस्ट उसका उल्टा होता है वोल्टमीटर में। अब जरा इसका बनावट के बारे में चर्चा करें, तब आपको लगेगा कि सर इसका बनावट और उसका बनावट में तो कोई फर्क ही नहीं है प्यारे बच्चों, क्योंकि वहां पे एक एम्पियर में मापता है ना,
तो एम्पियर का एक मापन सामने रहता है जिसको एमीटर में मापते हैं, और यहां पे तो वोल्ट में मापते हैं विभवांतर को, तो यहां पे उसके कुंडली में। यानी कि बनावट का बात करें तो एमीटर और वोल्ट मीटर का बनावट बिल्कुल सेम होता है, फिगर भी सेम बनने वाला है, बशर्ते थोड़ा सा एक अंतर रह जाता है, उसको हम लोग देखने वाले हैं। यानी कि एमीटर और वोल्ट मीटर में कोई अंतर नहीं है, बस एक अंतर के अलावा। अच्छा, दूसरा बात, उसके बनावट की बात करें, उसका फिगर का बात करें, तो सब चीज वही होगा। तो चलिए नोट में करके बात लिखेंगे, NOTE उसके नीचे नोट में करके एक बात लिखेंगे, लिखा जाए वोल्ट मीटर के मुख्य भाग, वोल्ट मीटर के मुख्य भाग ए मीटर के जैसे ही होता है, ए मीटर के जैसे ही होता है। प्यारे बच्चों चलिए अब हम लोग चलते हैं। जैसे ए मीटर, अभी तो हम लोग लिखे कि जो वोल्ट मीटर का भाग होता है मुख्य भाग, वो किसके जैसा होता है, तो वोल्ट मीटर के जैसा, सॉरी ए मीटर के जैसा होता है। अब ऐसे तो पता चलेगा नहीं, तो चलिए हम लोग फिगर बनाते हैं, उसके बनावट के बारे में चर्चा करते हैं, तब आपको दिखाई देगा कि दोनों में बिल्कुल एक ही बनावट है, और बाकी अगर आपको आएगा ए मीटर चाहे वोल्ट मीटर, तो बेहिचक एक ही जैसा बनावट, एक ही जैसा फिगर बनाना है। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसका बनावट कैसा होता है। प्यारे बच्चों चलिए तो हम लोग देखते हैं ये वोल्ट मीटर का बनावट है। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग ए मीटर के बारे में पढ़े थे, तो एमीटर भी बिल्कुल ऐसा ही बन रहा था, वहां भी H2 P2 के एक जगह टिकाया हुआ था, P1 H1 को एक जगह टिकाया था, B1 B2 पेंच था जिसको हम लोग एक वायर को जोड़ रहे थे, और यहाँ पे I भी एक क्रोड है, जैसा कि वहां भी एक क्रोड हुआ करता था। उसके बाद एल्यूमिनियम का फ्रेम लपेटा हुआ है चारों तरफ, ये क्या है, चारों तरफ लपेटा हुआ है। N और S क्या है, एक चुंबक है जो चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न कर रहा है प्यारे बच्चों। लेकिन इसमें वोल्ट मीटर और एमीटर में क्या अंतर है, तो जो एमीटर में हम लोग जोड़े हुए थे एक संट को प्यारे बच्चों, क्यों, क्योंकि एमीटर भी एक तरह का बना हुआ है गैल्वेनोमीटर ही, गैल्वेनोमीटर में भी एक तरह का, यानी कि जो एमीटर का बनावट होता है वो गैल्वेनोमीटर की सहायता से होता है, और जहां गैल्वेनोमीटर होता है हम लोग जानते हैं वहां संट भी होता है उसको बचाने के लिए। तो प्यारे बच्चों वोल्ट मीटर में भी गैल्वेनोमीटर से ही बना हुआ रहता है वोल्ट मीटर, लेकिन इसको बचाने के लिए जो संट यूज किया हुआ रहता है वो बिल्कुल श्रेणी क्रम में यूज किया रहता है। तो यहां पे देख पा रहे होंगे एस क्या है, संट है जो इस परिपथ के श्रेणी क्रम में है, और जरा एमीटर का बात करें तो हम लोग संट को यहां जोड़े थे, और याद रहेगा कि ये वाला हम लोगों को भी है, भी मतलब यहाँ पे जो हमें रीडिंग आ रहा है, वोल्ट मीटर जो रीडिंग दे रहा है वो किसमें रीडिंग दे रहा है, वोल्ट में रीडिंग दे रहा है। यानी कि वोल्ट मीटर की सहायता से हम लोग दो बिंदुओं के बीच, किसी भी धारावाही तार के बीच हम लोग विभव का मापते हैं, विभव मेजर करते हैं, विभवांतर मापते हैं। लेकिन ए मीटर क्या मापता है, तो उस तार में प्रवाहित धारा को मापता है। समझ में आया, तो यहाँ पे हम लोग ये भी पढ़ रहे हैं कि वोल्ट मीटर में जो संट जोड़ा जाता है वो बिल्कुल श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, सीरीज में जोड़ा जाता है, लेकिन एमीटर में जो हम लोग संट को जोड़ते हैं वो हम लोग जोड़ते हैं पैरेलल में, पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। तो इस वोल्ट मीटर का फिगर बना लेना है, ध्यान रहे यहाँ पे संट श्रेणी क्रम जोड़ना है और यहाँ वोल्ट मीटर देना है, वोल्ट देना है, ताकि इसका जो रीडिंग आए वो किसमें आए, वोल्ट में, और एमीटर में यहाँ पे जो रीडिंग आता है वो एम्पियर में आता है। तो इस फिगर को उसके नीचे बनावट में लिख लीजिए, और उसके नीचे जैसे हम लोग एमीटर के फिगर के नीचे जो जो बात लिखे थे, B1 B2 क्या है, H1 H2 ये सब के बारे में डिस्कस किए थे, NS चुंबक है, I क्रोड है, उसी तरीके के सेम का बात जो हम लोग एमीटर में लिखे हुए हैं वही बात यहाँ पे लिख देना है फिगर के नीचे। यानी कि एमीटर में फिगर के नीचे जो जो चीज लिखे थे प्यारे बच्चों, आप वोल्ट मीटर के नीचे वही वही चीजों को लिख देंगे, क्योंकि एमीटर और वोल्ट मीटर के मुख्य भाग में लगभग कोई अंतर नहीं है, अंतर यही है कि वहां पे संट को समांतर क्रम में जोड़ते हैं,
यहाँ पे शब्द को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। हालांकि पूरे परिपथ में एमीटर को कैसे जोड़ते हैं, तो वहां पे जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में। देखिए अब आपको पता नहीं चल रहा होगा, तो ये मान लिया जाए कि एमीटर है, तो एमीटर जो जोड़ा जाता है वो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, याद रखिएगा। पूरा वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर को हम लोग समांतर क्रम में जोड़ते हैं। लेकिन अब एमीटर के अंदर भी तो संट है, एमीटर वाला जो संट है उसको समांतर में जोड़ते हैं, लेकिन वोल्ट मीटर वाला जो संट है इसको श्रेणी में जोड़ते हैं। तो इन बातों को आप बिल्कुल अच्छे से नोट कर लीजिएगा कि अगर पूरा एमीटर रहेगा तो एमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी में जोड़ते हैं, लेकिन एमीटर वाला जो संट है वो समांतर में जुड़ा रहता है। अगर वोल्ट मीटर का बात करें तो समांतर क्रम में जोड़ते हैं पूरे वोल्ट मीटर को, पूरे वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ते हैं, लेकिन वोल्ट मीटर का जो संट है वो वोल्ट मीटर के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा रहता है। तो इन चीजों को आपको बहुत समझना जरूरी है। चलिए तो अभी हम लोग इसके बारे में लिख लेंगे उसके नीचे, क्योंकि बहुत जरूरी है, कोई भी फिगर कोई भी बनावट हम लोग बनाते हैं तो उसके बारे में जरूर डिस्कस करते हैं कि कहां कहां क्या लिखा हुआ है। तो हम इसको इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि एमीटर वाला जो भी चीज लिखे हुए थे सभी चीज यहाँ आप लिख देंगे। अब इसके बाद एक लास्ट टॉपिक है प्यारे बच्चों इस चैप्टर का, यानी कि जो हम लोग धारा विद्युत खंड में विद्युतीय यंत्र के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वहां पे एक लास्ट टॉपिक है। हालांकि चार ही हम लोग को पढ़ना है, गैल्वेनोमीटर, सन, एमीटर और वोल्टमीटर। हालांकि अब हम लोग को जो मेन क्वेश्चन आता है कि एमीटर और वोल्टमीटर में क्या अंतर है, चलिए इस अंतर को भी हम लोग लिख लेते हैं। तो टॉपिक बनाया जाए एमीटर तथा वोल्टमीटर, एमीटर तथा वोल्टमीटर में अंतर, एमीटर तथा वोल्टमीटर में क्या क्या अंतर है। तो इस अंतर को जानने के लिए एक तरफ लिखिए एमीटर और दूसरे तरफ लिखिए वोल्टमीटर। अब एमीटर का पहला पॉइंट लेंगे तो वोल्टमीटर का पहला पॉइंट लेंगे, इसका दूसरा तो इसका दूसरा, ऐसे करके लिखते चलेंगे। तो सबसे पहले लिखा जाए एमीटर को विद्युत परिपथ में, एमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, एमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्टमीटर के बारे में लिखेंगे, वोल्टमीटर को विद्युत परिपथ में, वोल्टमीटर को विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अब इसमें लिखेंगे दूसरा, एमीटर का संट, ऐसे लिखेंगे एमीटर का संट, एमीटर के का संट, एमीटर के कुंडली के साथ, एमीटर का संट एमीटर के कुंडली के साथ समांतर क्रम में जुड़ा रहता है। इसमें लिखेंगे वोल्टमीटर का संट वोल्टमीटर के कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा रहता है, वोल्टमीटर का संट वोल्टमीटर के कुंडली के साथ या परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ रहता है। फिर तीसरा लिखेंगे इसका तीसरा, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है, एमीटर के तीसरा में लिखेंगे आदर्श एमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। इसमें लिखेंगे आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। अब एमीटर का चौथा लिखेंगे यह विद्युत धारा के मान को एम्पियर में मापता है, यह विद्युत धारा के मान को एम्पियर में मापता है, वोल्टमीटर में लिखेंगे यह विद्युत धारा सॉरी विभवांतर के मान, इसमें लिखेंगे यह विभवांतर के मान वोल्ट में मापता है, यह विभवांतर का मान वोल्ट में मापता है।
फिर लिखेंगे नेक्स्ट, कितना अंतर, चार अंतर हुआ ना। चलिए फिर ये लिख देंगे पांचवा में, एमीटर के बनावट में, एमीटर के बनावट में स्केल, स्केल एम्पियर को अंकित करता है। याद रहे वहां पे हम लोग बनाए होंगे एमीटर का बनावट, तो ऐसे ऐसे करके जो रीडिंग दिए थे वहां ए लिखे थे, और ये अब की वाला आज वाला फिगर में वोल्ट दिए है, तो वही लिखा गया है यहाँ पे। सेल एम्पियर में अंकित करता है, और वहां लिखिएगा वोल्ट मीटर में प्रयुक्त स्केल वोल्ट में अंकित करता है, यानी यहां एम्पियर में अंकित करता है तो यहां वोल्ट में अंकित करता है। तो प्यारे बच्चों एमीटर और वोल्ट मीटर में ये बहुत ही अहम सवाल होता है, अंतर पूछता है, तो आप इन चीजों को बिल्कुल याद करिएगा। और दूसरा बात कि इस चैप्टर में हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है वो बनावट के बारे में चर्चा करने के लिए, यानी कि बनावट पूछा जा सकता है, उसका यूज पूछा जा सकता है, उसके बारे में कुछ लिखने के लिए आ सकता है। तो प्लीज आप इस चैप्टर में जो जो भी हम लोग विद्युतीय यंत्र में पढ़े हैं इन चीजों का आप अधिक से अधिक अच्छे से प्रयास कीजिए आप, तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आज हम लोग का ये जो चैप्टर है विद्युतीय यंत्र, ये आज खत्म होता है। अगले फिजिक्स की क्लास में एक नए चैप्टर के साथ हम लोग मिलते हैं। आज की क्लास को यहीं तक खत्म करते हैं, धन्यवाद।